इंदौर जिले के महू में बहरहमी से चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कैलाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की यह खास रिपोर्ट। कल रात करीब 10:30 बजे की घटना है, गर्ल्स स्कूल के पीछे चना गोदाम में। वहाँ पर पास में ही सभी निवास करते हैं, उसमें ही एक नितिन और दूसरा पक्ष अशोक, कैलाश पिता अशोक, इनमें विवाद हुआ और विवाद में नितिन ने चाकू निकाल के कैलाश के सीने के पास 2-3 वार कर दिए, जिससे कैलाश गंभीर अवस्था में उसको गेटवेल अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी रात में ही मृत्यु हो गई थी। इसमें कैलाश और नितिन के विवाद के बीच में जो साथ में सचिन और अन्य एक अशफाक करके अशू और अशफाक, ये लोग भी बीच बचाव करने आए थे, इन पर भी संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी सभी बैठे हुए हैं, सस्पेक्टेड बैठे हुए हैं, सभी से पूछताछ जारी है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।